ये दृश्य नजर आ गोरखपुर का है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते कि इस समय कई दिनों से होली के बाद में प्रवास है, वहीं पर वो बने हुए हैं, लगातार वहां पर तमाम अपनी गतिविधियों को भी संचालित किए हैं। कल जो होली का उत्सव था उसमें भी सम्मिलित हुए थे, और वहाँ पर जो नरसिंह भगवान है उनकी जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें भी वो सम्मिलित हुए थे। उसके बाद में आज जो है शुभारम्भ किया है पोलियो ड्रॉप का पिलाने का, जो तमाम जो करोड़ों बच्चों को उत्तर प्रदेश में पिलाई जाएगी। इस पूरी बीमारी को लेकर तमाम संभावनाएं बनी रहती हैं कि जो बच्चों को तकलीफ दे हो जाती है, लेकिन सबसे पहले तमाम जो पोलियो उन्मूलन का जो कार्यक्रम है उसको लेकर हमेशा से ही जागरूकता तमाम अभियान भारत में चलते रहें। इसी के क्रम में फिलहाल एक बेहतरी के साथ में अभियान की शुरुआत गोरखपुर जिला से हो चुकी है, तहाँ बढ़ चढ़ कर तमाम जो लोगों ने भाग इसमें लिया। आपको बता दें कि तमाम जो इसमें जो यूपी में जो है चुनाव का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ था, उसके बाद में सीधे से जो जीत जो दर्ज की है तमाम पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद में अब मुख्यमंत्री का ताज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पर बंधेगा। और ये संभावनाएं और तमाम जो चीज़ें चल रही थी तारीखों को लेकर, उस पर भी फिलहाल विराम लग चुका है। और जो सीएम जो का जो ताज पहनेंगे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम में 25 मार्च को उनके सर सजेगा। फिलहाल अभी उत्तराखंड को लेकर तमाम संभावनाएं हैं, वह भी आगे पीछे हो रही हैं, तमाम को लेकर बातचीत चल रही है, मंथन चला, वो भी जल्दी उस पर तय हो जाएगा। लेकिन सबके साथ में तमाम जो योजनाएं थी एक लंबे समय से जो चल रही थी उनको फिलहाल सुचारू ढंग से शुरुआत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका शुभारंभ गोरखपुर से किया है। इसके साथ में उन्होंने साफ संकेत अपना दे दिया है कि अपने जिले और जहाँ से वो अपना चुनावी संसदीय क्षेत्र का रहा है वहाँ से किस तरीके से वो तमाम चीज़ों को लेकर आगे करते रहे हैं, उसको लेकर कितना ध्यान रखते हैं, उन्होंने भी अपना साफ इरादा जता दिया है। विधानसभा का चुनाव इस बार उन्होंने भारी तमाम जो रिकॉर्ड मतों से उसको जीता है, उसको लेकर भी जनता में अपना जो विश्वास जताते हुए तमाम उन्होंने अपना साफ इरादा कह दिया कि उनके लिए वो कितने समर्पित हैं। कैमरामैन नवाजी हुसैन के साथ में सईद अली की रिपोर्ट।